ये ठिनठिनी पत्थर है जो कि मायन पाट का एक प्रमुख तो वैसे बचता है पर्यटक स्थल माना जाता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। तो ये नॉर्मल बज रहा है, ये ठिन ठिन करता है, मतलब ये लोहा को मार रहे हैं, मतलब दो गाइस वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने और थोड़ा सा मौसम भी और काफ़ी अच्छा है तो आप सभी को दिखाते हैं क्योंकि हम लोग मायनपाट रूट में जाने वाले हैं। तो वहाँ पे जो ठिनठिनी पत्थर है तो वो भी काफ़ी अच्छा जगह है और उससे पहले एक घाघी वाटरफॉल मिलता है तो वो भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए, हमारे पेट्रोल डलवा चुके हैं और अब चलते हैं आगे की ओर क्योंकि अभी मौसम जो काफ़ी अच्छा है तो फिर हम लोग घूम के आते हैं इधर। लेकिन बादल छा रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बारिश हो रहा है तो एक छतरी ले लेते हैं क्योंकि वहाँ भी उतर के घूमना पड़ेगा और रूम में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे है तो छतरी लेते हैं क्योंकि अभी दुकान वाले नहीं है तो आज लेते हैं। दुकान साइड आइए। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाएंगे और पीछे का जो सीन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जो जंगल से जो धुआँ निकल रहा है वो निकल रहा है। ये देखो ज़्यादा क्लियर तो नहीं आ पा रहा है पर काफ़ी अच्छा लग रहा है खुली आँखों से देखने से। और इधर देखिए खेत है और अभी सूर्यदेव भी दर्शन देने वाले हैं और इधर पेड़ है। तो अब धूप आ गया, देखिए हम लोग फोटो खिंचाते तक और अभी काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो हमारे साथ बने रहो और अभी हम लोग चलने वाले हैं, फिर वहां पे जाके आप सभी को दिखाते हैं क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी लग ही नहीं रहा है कि बारिश अभी जस्ट हुआ था। अच्छा मतलब सीधा यहीं पहुंचा देगा, उधर ही से चलें। ठीक है भैया धन्यवाद बताने के लिए। तो अभी हम लोग दूसरा वाला रास्ता से चलते हैं क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा बाइक को दूर में खड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं, बाइक को नज़दीक लेके चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर देखिए भैया लोग हमको बताए और चलते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं क्योंकि छतरी खरीद के लाया हूँ मैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पंचधारा वाटरफॉल जो कि अंबिकापुर से लगभग 20 किलोमीटर के अंदर में ही मिल जाएगा आपको। और थोड़ा सा हम लोग को कच्ची रास्ता मिला जिसके कारण से पानी भी आया था तो फिसल रहा था, पर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पंचधारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर दिख रहा है इस तरीके से छोटा छोटा जो है ना ऐसा पाँच शेड में बना हुआ है, मतलब आप शेड बोल सकते हैं, जिसके कारण से इसका नाम पंचधारा पड़ा है। और इसका जस्ट बाजू में भी वैसी लेयर बना हुआ है जिसमें पांच लेयर में पानी गिर रहा है। अभी तो थोड़ा सा कम पानी है क्योंकि अभी बरसात शुरुआत ही हुआ है, अभी सावन में ही पानी आया है, इससे पहले पानी नहीं आ रहा था। और ये जगह जो है काफ़ी सुंदर है, आप इधर से नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है नज़ारा। अभी थोड़ा सा शाम होने वाला है जिसके कारण से इसका नज़ारा ज़्यादा अच्छा आपको नहीं दिख पा रहा होगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस समय आएँ उस समय धूप निकले और ये नज़ारा आप लोग को चार चांद लगा दे। प्योर पानी दिख रहा है इतना साफ, ये पानी को आप पी भी सकते हैं, इतना साफ सुथरा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ आ गए और काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखिए कितना अच्छा है। अभी ज़्यादा पानी नहीं है पर भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिन से हम लोग टाउन के अंदर ही थे
कहीं नहीं निकले थे क्योंकि हम लोग का एग्जाम चल रहा था, और उसके बाद में अचानक से ऐसा खुला मौसम और इतना अच्छा झरना, और जो देखिए चारों साइड से हरियाली के बीच में आ गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो वाटरफॉल है इसका मैं लोकेशन डाल दूंगा, अगर आप लोग आना चाहते हैं ज़रूर आइए। थोड़ा सा बाद में आइएगा, जब सितंबर का मंथ में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा, और जितना भी पानी देखेंगे वो सारा एकदम नीला, मतलब स्विमिंग पूल की तरह देखने को मिलेगा। तो आइए एक बार ज़रूर, और आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और थोड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे हम लोग, फिर चलेंगे। ठिनठिनी पत्थर है जो कि मायन पाट का एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसका आवाज़ है और कितने प्रकार से आवाज़ आते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूता चप्पल आप उतार के चलें, तो हम लोग भी यहीं उतार देते हैं एंड देखते हैं कि कैसे आवाज़ आता है। तो बजाने के लिए ये रख दिए हैं, आपको पत्थर भी लेके नहीं आना है, दूसरा पत्थर से इस... हाँ थोड़ा दूसरा बजा, और इधर मस्त बजता है, उधर दूसरा बज रहा है, तो दिखाते हैं आपको किधर किधर कैसा बज। एक इस... मैं ट्राई कर रहे हैं इधर इधर भी बजा के, पता है ये वाला भी तो बज रहा है। अच्छा सो जाओ, मतलब ये पत्थर का आवाज नॉर्मल पत्थर की तरह नहीं है, ये पत्थर को मारने से ऐसा लगता है कि लोहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे तो इस तरीके से है, इसका नाम ठिनठिनी पत्थर पड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते लोग बैठे हुए हैं जो पहरेदार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है यहाँ के लोग। हाँ आवाज आ रहा है वही, और यहाँ पे सरना पूजा होता है या झंडा भी लगा हुआ है, जिसके कारण से चप्पल जो उतार के आना है, और इसको हम लोग बजा के भी देखें। और बकायदा इस तरीके से पत्थर रखा हुआ है, देखिए ये रहा। हाँ, खत्म हो जाएगा। ये तो नहीं बज रहा, ये देखिए ये तो नॉर्मल बज रहा है, ये नॉर्मल बज रहा है, ये ठिन ठिन करता है, मतलब ये लोहा को मार रहे हैं, मतलब दो पत्थर या तो दो छड़ वाला बड़ा वाला रोड को टकरवा रहे हैं। इससे ये भी तो बज रहा का सर। हाँ, इसका आवाज थोड़ा सा दूसरा है, इससे मिला हुआ होगा ना इसलिए। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा इसका आवाज आता है ना, इसको मार मार के देखिए आप, इसको देखिए जरा इसका किस तरीके से कर दिए हैं, ये प्लेन कर दिए हैं, घिस गया है इसको ठोक ठोक के, और इस तरीके से इस तरीके से रखा हुआ है, देखिए मार मार के गड्ढा कर लीजिए, इसका हर एंगल में पत्थर रख सकते हैं, और ये पत्थर यहीं रहता है इसको बजाने के लिए। तो आप लोग को कैसा लगा ठिनठिनी पत्थर जरूर बताइएगा, हम लोग तो बजा के देखिए, अगर आप लोग नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आइए। आज का वीडियो में इतने ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना। बाय।